तो मेरे घर में ना बहुत सारी बर्ड्स आती हैं एंड उन्होंने ना एक प्यारा सा घोंसला भी बनाया है। तो बस वहीं से मुझे अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए आइडिया मिल गया कि अपने लिए तो मैंने बहुत कुछ बना लिया है, तो क्यों ना इस बार हम बर्ड्स के लिए कुछ बनाएं। एंड जो भी हम बनाएंगे वो जितना नेचुरल हमसे बन सकेगा उतना नेचुरल रखने की कोशिश करेंगे, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे। तो बस जो चीज़ें मेरे घर पर हैं बस उन्हीं को यूज़ करके मैं आज का डीआईवाई बनाने वाली हूँ। तो चलो अब जल्दी से शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे घर में बहुत सारी बर्ड्स आती हैं एंड इसीलिए कुछ दिन पहले जब हमारे घर पे कारपेंटर वाला काम चल रहा था तो उसमें काफ़ी सारी लकड़ियाँ बच गई थी, तो हमने ना उन्हीं से इसका एक ये बर्ड हाउस बनवा लिया। तो इसमें कुछ नहीं, बस चार पांच लकड़ियों को जोड़ के ऐसा एक स्ट्रक्चर सा बस उन्होंने हमें बना के दे दिया था। तो अगर आपको ऐसे लकड़ियों को ठोक पीट के जोड़ना आता है तो आप घर पे बना सकते हो, नहीं तो आप कारपेंटर से भी ऐसे एक शेप बनवा सकते हो। तो अब हम इसको डेकोरेट करेंगे एंड इसको पेंट करने के लिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चटक मटक कलर्स का यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा लाइट कलर में या नेचुरल ये थोड़ा दिखे। एंड मैं इस पर डायरेक्ट पेंट कर रही हूँ, मैं जैसो भी नहीं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा इस पर पेंट्स की लेयर हो जाए और फिर बर्ड्स को उसकी स्मेल ना अच्छी लगे। एंड हाँ, आप लोग सोचोगे कि ये जो मैं पेंट कर रही हूँ इसकी भी तो स्मेल शायद बर्ड्स को आ सकती है, तो मैं ना क्या करूँगी, पेंट करने के बाद इसको 3-4 दिन आराम से धूप में रख दूँगी ताकि इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी कम हो जाए, ताकि बर्ड्स ईजिली इसकी तरफ अट्रैक्ट हों और इसमें आके बैठ सकें। तो ये जो बॉटम वाला पार्ट है यहाँ पे मेरे पास एक थोड़ा सा कलर बचा हुआ था जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो वो मैंने अप्लाई कर दिया एंड ब्राउन और ब्राउन के ही शेड्स मैं यूज़ कर रही हूँ। और जो साइड वाली वॉल्स है वहाँ पे भी मैं लाइट कलर्स का ही यूज़ करूँगी। अब इसे आप जितना चाहे उतना डेकोरेट कर सकते हो, क्ले वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं वो नहीं करना चाहती थी। और इसका एक और रीज़न ये था कि लास्ट वीक मैंने बहुत ही मुश्किल वाला डीआईवाई बनाया था, लाइक उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, तो इस बार मैं कुछ बहुत ही आराम से सुकून से बैठ के सिंपल वाला कुछ बनाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने बर्ड हाउस को ही पेंट कर लेती हूँ। अब ये जो इसकी छत है उस पर मैंने वुड स्टेन को एक कपड़े में लेके अप्लाई कर दिया है ताकि ये थोड़ा सा नेचुरल वुड जैसा लगे। अब एकदम प्लेन भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस थोड़ा सा इस पर मैंने सोचा कि कुछ फ्लोरल प्रिंट होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक इट्सी बिट्सी से स्टेंसिल यूज़ किया है। इनफैक्ट मैं जो भी मटेरियल यूज़ कर रही हूँ, वुड स्टेन और चॉक पेंट्स, सारी चीज़ें मैंने इट्सी बिट्सी से ही ली हैं। तो अगर आपको डीआईवाई करना पसंद है तो आप कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ से ले सकते हो। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड मानसी05 यूज़ करते हो तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसी के साथ हमारा ये डीआईवाई रेडी हो गया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पता नहीं हमारी बर्ड्स को ये पसंद आएगा कि नहीं। तो चलो अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो बर्ड्स के घर का इंतज़ाम तो हो गया, बस उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी कर देते हैं। तो अभी तक ना हम एक बर्तन में उनके लिए पानी और खाना रखते थे, पर इतने बोरिंग बर्तनों में मैंने सोचा कि उनके लिए क्यों खाना और पानी रखूं, उनके लिए भी कुछ बना देते हैं। तो मेरे घर पे ना मिट्टी के काफ़ी सारे बर्तन थे, लाइक ए कुल्हड़ वगैरह जिसमें लस्सी या फिर चाय हम लोग पीते हैं, तो वो मुझे कहीं से भी मिल जाते थे तो मैं उसको इकट्ठे करके रख लेती थी। तो मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे बर्तन थे तो मैंने सोचा ये नेचुरल है और इसी में बर्ड्स के लिए खाना और पानी रखा जाए, तो इसी से हम कुछ बनाएंगे। तो इनको हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं और जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे शेप इट क्ले का यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी। आप चाहो तो सीमेंट से भी इसको जोड़ सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी यही सेम बर्तन हो, आपके पास मिट्टी के कोई दूसरे तरीके के बर्तन हो सकते हैं तो आप उनको आपस में जोड़ सकते हो। अभी मेरे पास ये दो बड़े बड़े बोल टाइप के थे तो इसको मैं जोड़ रही हूँ, बट बीच में मैंने एक कुल्हड़ जैसा लगा दिया है एंड यहाँ इसके ऊपर एक ग्लास मैंने लगा दिया है और एक छोटा सा दिया इसके ऊपर मैं अटैच कर दूँगी। तो यहाँ पे टोटल 3 सेक्शंस बन रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे मैं प्लांट लगा दूँगी छोटे छोटे वाले, जिसमें छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं, और जो बीच वाला पार्ट है वहाँ हम पानी रख देंगे, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर हम चिड़ियों के लिए दाने या खाने का कुछ सामान रख देंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे पास कोई प्लांट था नहीं इसमें लगाने के लिए, तो वीडियो के लिए मैं यहाँ पे पानी भर दूँगी, बट जब मेरे पास होगा तब मैं इसमें लगा दूँगी।
अब मैं इसको पेंट करूँगी और मैं ये टेराकोटा कलर का यूज़ कर रही हूँ ताकि बिल्कुल नेचुरल ही दिखे। इसका कलर मैं बिल्कुल चटक मट्टा किया, कुछ अलग से नहीं दिखाना चाहती हूँ। एंड ये जो पेंट है ना, ये भी मैं सिर्फ बाहर बाहर की साइड ही कर रही हूँ, अंदर की साइड में नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो बर्ड्स के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जस्ट बाहर बाहर की साइड आपको ये कलर अप्लाई कर देना है। बट एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर हम सिर्फ बाहर बाहर करेंगे पेंट और अंदर नहीं करेंगे तो जो अंदर हमने क्ले लगाई है वैसे वाइट वाइट दिखेगी, तो वो अच्छी नहीं दिखेगी। तो उसका जुगाड़ है मेरे पास, वो आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि उसको मैंने कैसे कवर किया है। बट जो जहाँ पे हमें पानी वगैरह नहीं रखना है, सिर्फ हम उसी जगह पे पेंट कर रहे हैं। तो पेंट हमारा कंप्लीट हो गया है, अब बस इस पे थोड़े से पैटर्न वगैरह भी हम ड्रॉ करेंगे ताकि थोड़ा सा ये देखने में डिफरेंट लगे, हमारी बर्ड्स को पसंद आए। तो जब आप इसको अपने घर के गार्डन पे या बालकनी पे रखोगे ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगेगा, एक फाउंटेन जैसा बन गया था ये एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो बहुत ही सिंपल सा पैटर्न मैंने इस पे बनाया है, कुछ बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं किया है, काफ़ी सिंपल। और ये वाले पैटर्न आपने हमेशा देखे होंगे, तो बस वाइट चॉक पेंट मैंने लिया और उसी से ये पैटर्न बना दिया है। आप चाहो तो पैटर्न डिफरेंट भी बना सकते हो या इसमें और भी कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हो, कलरफुल भी बना सकते हो, जैसी आपकी चॉइस है वैसा कर सकते हो। बट क्योंकि मुझे बिल्कुल सिंपल चाहिए था इसलिए मैंने इसको बनाया है, क्योंकि कई बार लोग कमेंट में बोलते हैं कि आपको ये कलर नहीं वो कलर करना चाहिए था। तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको जो अपने घर के हिसाब से अच्छा लगता है, आपकी जो चॉइस है आप वैसा कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने ये किया तो आपको भी यही करना है। तो कुछ इस तरीके से हमने सारे पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है एंड अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक। तो कैसे लगे आपको आज के DIYs, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आपको तो पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी कर सकते हो कर दो। बाकी शॉर्ट वीडियोस तो मैं लाती ही रहती हूँ, तो चलो फिर मिलते हैं।